जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमावत। आज 15 अगस्त का दिन है, हम सबकी जिंदगी का एक खास दिन। आज ही के दिन की वजह से हम सब इस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के दिन तिरंगे को हवा में लहराता देखने का जज्बात कुछ और ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूं किसी तिरंगे झंडे की रक्षा में समर्पित अजय योद्धा जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह मारवा की जीती जागती कहानी। पहले आप जनरल मारवा का देशवासियों के नाम संदेश। मैं जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह मारवा यानी जे सिंह, पूर्व सेना अध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, आज 74वीं वर्षगांठ जो हमारे आज़ादी के दिवस की है, उस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कोटि कोटि आपको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी भारत की सदी मानी जाती है। इंडिया एक उभरता हुआ ताकतवर देश बनने के राह पर अग्रसर है। हमें इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत करनी चाहिए और सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देश को दुनिया के एक सुपर पावर यानी महान शक्ति बनाने में हम अपना योगदान दे सकें। इस कार्य में मनीष मीडिया जैसी संस्थाएं, इनका योगदान काबिले तारीफ है और मैं आपको शाबाश देता हूं कि आपने खास तौर पर दूर दराज हिंदुस्तानी मूल के लोगों को जोड़ने के लिए बहुत योगदान दिया है और यही सेवा आप जो कर रहे हैं, इससे हमारा देश एक महान शक्ति बन सकता है। हमारे तिरंगे की रक्षा में समर्पित आज के अजय योद्धा जनरल जोगिंदर सिंह मारवा की वीरता की जीती जागती कहानी। जनरल साहब अपने शॉर्ट नेम जनरल जेजेएस के नाम से भी बहुत मशहूर हैं। उनका परिवार योद्धाओं का परिवार कहा जाता है। उनके दादा सिपाही अता सिंह 1914 में ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया अभियान में घेराबंदी में घायल हो गए थे, इसलिए कुछ वर्षों बाद सेवानिवृत्ति मिल गई। 1943 में उनके पिता को रॉयल इंडियन आर्मी में कमीशन मिल गया था। देश की आज़ादी के बाद 1947 में इंडियन आर्मी में कैप्टन बन गए और पटियाला में पोस्टिंग हो गई थी। जेजेएस का जन्म माँ रानी जसपाल कौर और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह के यहाँ 1945 में अविभाजित भारत के बहावलपुर में हुआ था। बचपन को याद करते हुए जेजेएस कहते हैं कि हम सभी 6 भाई बहन अपने दादा का मार्शल म्यूजिक सुनते हुए बड़े हुए। वो हमें विश्व युद्ध की बड़ी रोमांचक कहानियां सुनाते हैं और हम बहुत ध्यान से सुनते थे। फादर की अलग अलग शहरों में पोस्टिंग होती रहती थी, ये मुझे बहुत रोमांचकारी लगता था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड का समय था, मैं मेरे माता पिता का सबसे बड़ा बच्चा था, इसलिए माँ का बहुत चहेता था। मुझे अब तक इस बात का ताज्जुब है कि माँ लंबे समय तक अपनी बहुत खराब सेहत के बावजूद मुझे आर्मी चीफ बना देखने के लिए जिंदा रही और मेरे आर्मी चीफ बनने के अगले ही दिन फरवरी 2005 में शांति से हमारी दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे पिता को हमेशा ही इस बात का फख्र रहा कि हम तीनों भाई फौज में हैं
मैं और कैप्टन बीजे सिंह आर्मी में और स्क्वाड्रन लीडर सतेंद्र सिंह एयरफोर्स में। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में हमारे फादर और हम तीनों भाई अलग अलग सीमाओं पर मोर्चा संभाले हुए थे। मुझे इस बात का हमेशा ही गर्व रहा कि हमारी पीढ़ी ने भी योद्धाओं के परिवार की कहावत को जिया। 1964 में मेरे सेकंड लेफ्टिनेंट बनने पर मेरे फादर द्वारा मुझे ऑफिसर सम्मान का पाइप देते हुए देखकर दादाजी ने कहा, परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक फौजी सिपाही का बेटा जल्दी ही कर्नल बन जाए और कर्नल का बेटा जनरल बन जाए। लगता है उनकी दुआओं ने कई तरह से अपना काम किया। 1964 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन होने के बाद जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, जोशीमठ बॉर्डर्स पर पोस्टिंग रही। मराठा रेजिमेंट बहुत ही बहादुर है। बरसों साथ में काम करने से लगता था उनसे मेरा खून का रिश्ता है। 2005 में JJS मारवा 22वें आर्मी चीफ बने। रिटायर होने के बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी ए सोल्जर्स जनरल लिखी, जिसकी सभी ने बहुत तारीफ की। JJS को अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी भाषा आती है। उनकी माँ प्रभजोत कौर एक कवियत्री थी और सन 1967 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद जनरल साहब की काबिलियत व देश के प्रति समर्पण को देखते हुए सरकार ने उन्हें अरुणाचल राज्य के राज्यपाल पद पर सुशोभित किया। जनरल JJS एक बहादुर पर्वतारोही, पक्के निशानेबाज और एक समर्पित फौजी हैं। उनकी समर्पित सेवाओं को देखते हुए पंजाबी रत्न, आर्मी का विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। वे कहते हैं, अच्छे भाग्य के कारण ही मेरी पत्नी अनुपमा का मेरे जीवन में आना हुआ। वे एक समझदार पत्नी, माँ और एक अच्छी चित्रकार भी हैं, जिन्होंने पेंटिंग में पेरिस से शिक्षा प्राप्त की। निजी जिंदगी में आध्यात्मिक होने के कारण मैं एक सकारात्मक व आशावादी इंसान बन पाया। इस कहानी की जो सीख है वो है, अच्छे पारिवारिक संस्कार अपार सफलता की ओर ले जाते हैं। शुक्रिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आपका हर एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। Thank you.